किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने इन्हें अस्थायी गौशालाओं में रखे जाने का निर्देश दिया है। इसके बाद शहर के कृषि भवन के पास बने एक गौशाला में 300 से ज्यादा पशुओं को रखा गया। यहाँ पशुओं के लिए न तो चारे की व्यवस्था है, न पाने की और न ही छाया। पशुओं की देखभाल करने वाले इसरार की माने तो ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, यहाँ रखे गए पशुओं की जान खतरे में है। ये इसमें करीब करीब 300 के करीब पशु हैं। पशुओं के भूसा ही इनको दिया जाता है और भी कोई चूनी हरा चारा कुछ भी है नहीं दिया? अभी तो फिलहाल भूसा ही दे रहे हैं। क्या आपको समझ में आता है कि भूसा खा के पशु जिंदा रह जाएंगे? भूसा ये छोटा सांड है सर, ये भूसा खा के भी हाँ गाय भी है, बछड़ गाय भी है। यहाँ पशुओं को पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में यहाँ के पशु गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से यहाँ के कई पशु बीमार भी हो गए हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीमार पशुओं का इलाज किया जा रहा है, यहाँ आने वाले अन्य पशुओं का बधियाकरण भी किया जा रहा है। ये निर्देश मिले हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा अगर कुछ पशुओं की हालत अच्छी नहीं है, आवारा पशुओं को लेकर सरकार की नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। एक और जहां आवारा पशु किसानों के लिए समस्या का सबब बनते जा रहे हैं, तो वहीं सरकार की कोशिशों के बावजूद भी इन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अस्थायी गौशाला बनाकर इन्हें कहीं रखा भी गया है तो वहां भी पशु अव्यवस्थाओं की मार झेल रहे हैं। आवारा पशुओं से किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार का निर्देश है कि इनको अस्थायी गौशालाओं में रखा जाए। जौनपुर में भी कई अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन इन गौशालाओं में पशुओं की हालत अच्छी नहीं है। कई पशु बीमार हैं, तो वहीं कई पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, पशु मजबूरन गंदे पानी पीने को विवश हैं। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।